आज का दुआ है जल में बसे कमोदिनी चंदा बसे आकाश जो है जाको भावना सो ताही के पास अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार पानी में एक कमल का फूल खिलता है और आकाश में चांद निकलता है उसी प्रकार जब चांद की जो रिफ्लेक्शन है वो पानी में आती है तो ऐसा लगता है कि चाँद स्वयं उतरकर कमल के पास आ गया है उसी प्रकार जब आपकी भावना शुद्ध होगी आप ईश्वर के साथ मन को लगा लेंगे या जिस भी कार्य में आप अपना मन लगाएंगे वो कार्य ज़रूर होगा ईश्वर आपके पास ज़रूर चल के आएंगे जिस प्रकार वो चाँद जो बहुत दूर है उस कमल के फूल से वो उतर कर उनके पास आ जाते हैं यानी कि अपने रिफ्लेक्शन के थ्रू उनके पास आ जाते हैं कबीर दास जी इन दिस कपलेट नवरेच दैट जस्ट लाइक अ लोटस फ्लावर दैट ब्लूम्स इन वाटर एंड लाइक द मून डेट राइज इन द स्काई रिफ्लेक्शन फॉल्स इन दॉटर इट इट लुक्स एज द मून हैज कम डाउन टू मीट द लोटस Because deflection in the water in which lotus is blooming gives us that view. Hence, when you do something with your full heart, or you believe, or like you get in love with the God, that work will either get fulfilled, or your God will come to you. And remember, God resides within you. The only thing is that you need to realize it, feel it. That's all for today. Thank you.